Assalamualaikum, this is Shan Bajwa from 5B Marketing Private Limited. We are heading towards Lahore. आज हम गवादर से लाहौर लेके जाएंगे. पहले आपको सारा गवादर दिखाया है, अब गवादर से लाहौर, फिर लाहौर से इंशाल्लाह इस्लामाबाद. और आपको दिखाएंगे कि रास्ता किस तरह का है, सिक्योर है, और इन्वायरमेंट और हमारी सराउंडिंग किस तरह की है. ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आपको सारी वीडियो सारे सफ़र की इंशाल्लाह हम दिखाएंगे. और इस वक्त हम खड़े हैं जनाब गवादर एयरपोर्ट रोड के ऊपर. ये गवादर एयरपोर्ट रोड है, यहाँ से सीधा हम चढ़ेंगे आके मकरान कोस्टल के ऊपर. सामने ये सुरबंदर का पहाड़ है, सीधा ये एयरपोर्ट रोड जा रहा है मकरान कोस्टल की तरफ. और यहाँ पे हम अभी पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं, ये देख सकते हैं. उसके बाद इंशाल्लाह प्रोसीड करते हुए आपको मुख्तलिफ रस्तों और माड़ा कुंड मंदिर वगैरह उनकी सैर करवाते हैं. फाइव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड. अभी रिसेंटली हमने चेक पोस्ट क्रॉस की है और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है. पसनी और माड़ा कराची 624 किलोमीटर. इंशाल्लाह कराची से होते हुए हम ट्रैवल करेंगे हैदराबाद, दैन सादकाबाद, बहावलपुर और टूवर्ड्स लाहौर, दैन इस्लामाबाद इंशाल्लाह. बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं हम. मकरान कोस्टल के ऊपर चढ़ चुके हैं. राइट साइड पे हमारे आप देख सकते हैं ये सुरबंदर है. इसी साइड पे बिल्कुल कोस्टल एक्सप्रेस का काम हो रहा है जो कि चाइना बना रहे हैं. यहाँ से सीधा वो कराची तक लेके जाएंगे अपने ट्रेड रूट के लिए. सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर रियल स्टेट और इन्वेस्टमेंट इन गवादर, के आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा स्कोप है गवादर के अंदर. रिसेंटली देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे रास्ते में. मैं जूम करके दिखाता हूँ. ये वशीन डोर का इलाका है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे मौजा ज़ियारत मच्छी शर्की घर भी आया अंदर बिरला शुमाली. उसी के साथ ही न्यू एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन हो चुका है. रिसेंटली PM साहब ने इनॉग्रेशन किया, तो वहाँ से होते हुए इंशाल्लाह आपको ओवरव्यू भी देंगे जो न्यू एयरपोर्ट और कैंट का एरिया. सो इंशाल्लाह रास्ते में आपको टोटली ब्रीफ करते हुए जाएंगे कि गवादर से लाहौर एंड देन इस्लामाबाद तक हमारा सफ़र कैसा है और ट्रेड रूट यहाँ का या रूट कितना सिक्योर है यहाँ तक. सो इंशाल्लाह हमारे साथ टच रहेगा. थैंक यू सो मच. आपने यहाँ पे आप फ्रंट भी देख सकते हैं, ये सारा न्यू एयरपोर्ट का एरिया. छोटी सी मशीनरी आपको नज़र आ रही है, वॉल बाउंड्री भी लगी हुई है. सो तकरीबन ये 2 से 3 हज़ार एकड़ का एरिया है जिस पे न्यू एयरपोर्ट रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है. और हमारी राइट साइड पे ये सारा कैंट का एरिया है. यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी आर्मी के कैंट स्टेशन बनाया जाएगा. सामने हम मेन मकरान कोस्टल के ऊपर ट्रैवल करते हुए और माड़ा, दैन और माड़ा से आगे हम पहुँचेंगे जनाब कराची. सो इंशाल्लाह रास्ते में हम आपको टोटली अपडेट करते जाएंगे. ये जो थोड़ी सी बाउंड्री लाइन नज़र आ रही होगी, ये सारी हमारे पास एयरपोर्ट की है. ये मोस्टली मौजा ज़ियारत मच्छी शर्की एंड देन राइट साइड पे दरबेला शुमाली के एरिया की तरफ है. सो इनका काफ़ी मीन्स पोटेंशियल है दोनों एरियाज़ का रियल स्टेट के हवाले से. अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक एयरपोर्ट और गैस स्टेशन से इनकी वजह से आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल. एंड इट्स द मेन मकरान कोस्टल हाईवे टुवर्ड्स ओरमाड़ा देन कराची. और हमारी लेफ्ट साइड पे ये सर आपका पोटेंशियल एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट. सो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये सारी आप देख सकते हैं डिमार्केशन, लोगों ने ज़मीन खरीदी हुई है, सारी डिमार्केशन हुई हुई हैं. सामने आपके पोस्टर नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतजाम है, सारी बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही हैं, डिमार्केशन है, फ्रंट रोड पर डिमार्केशन है. सो मेन मकान पोस्टल काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एरिया होगा अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं. मकरान कोस्टल है इंशाल्लाह, हम ट्रैवल करते हुए वहाँ तक आपको अपडेट करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.